दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रजापति न्यूज में। सड़क पर बिकता है सांप का मांस, चीन में कोबरा का भोजन बनाकर खाते हैं, सांप है चीन के लोगों का मनपसंद भोजन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, चीन के लोग सांप को खाते हैं। दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे कि खेतों में अनाज और सब्जियाँ पैदा की जाती हैं, यहाँ तक कि चिकन और अंडों के लिए मुर्गी फार्मिंग की जाती है। इतना ही नहीं, बकरी और मछली पालन भी किया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सांप पालन भी किया जाता है, वो भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये लोग सांप को कैसे पालते और कैसे काटते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। क्या आप जानते हैं हमारे पड़ोसी देश चीन के लोग लाखों की संख्या में जहरीले सांपों की खेती करते हैं, वो भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर खाने के लिए। चीन में एक ऐसा गांव है जहां पर हर साल 30 लाख से अधिक जहरीले सांप पाले जाते और पैदा भी किए जाते हैं। आपको बता दें इस गांव का नाम है जिसे क्याओ, यहां स्नेक फार्मिंग की जाती है, लोगों की कमाई का मुख्य जरिया है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस गांव की मौजूदा आबादी लगभग 1000 है, जिससे पता चलता है गाँव का हर शख्स हर साल लगभग 30,000 सांप पालते हैं। यहाँ पाले जाने वाले सांपों की प्रजाति में विशाल कोबरा, अजगर और जहरीले वाइपर सहित कई जानलेवा सांप शामिल हैं। वैसे तो यहाँ के लोग सांप से डरते नहीं हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वह लोग बस एक ही सांप से सबसे ज्यादा डरते हैं, जिसका नाम है फाइव स्टेप स्नेक। अब बात करते हैं कि इसका नाम फाइव स्टेप क्यों रखा गया है, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस सांप के डसने के बाद इंसान सिर्फ 5 कदम ही चल पाता है और बस इतने में ही उसकी मौत हो जाती है। इस गांव के लोग सांपों का पालन इसलिए करते हैं ताकि वह उनके मांस और शरीर के अन्य अंग बाजार में बेच सकें। क्या आपको मालूम है सांप का मीट चाइना के लोग बड़े शौक से खाते हैं, साथ ही सांपों के शरीर के अंगों का उपयोग दवाई बनाने में काम आता है। कब और क्यों ऐसा हुआ कि लोग करने लगे सांपों का व्यापार? चाइना के इस गांव में और भी चीजों की खेती की जाती है, जैसे जूट, चाय, कपास, लेकिन आज के समय में इस गांव को पूरे विश्व में स्नेक फार्मिंग के कारण जाना जाता है। इस छोटे से गांव में जहां पर 1000 लोग रहते हैं, वहां पर 100 स्नेक फार्म हैं। वह बताते हैं सांपों को फार्म हाउस में बुच्चर खाने में ले जाने के बाद सबसे पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सर काट दिया जाता है। फिर बाद में सांपों को काट कर उनका मीट निकाल कर अलग रख देते हैं। फिर चमड़े को अलग कर धूप में सुखाया जाता है। उसके मीट का प्रयोग खाने और दवा बनाने के काम में आता है, और इसी तरह बचे खुचे चमड़ों से बैग बनाकर उन्हें बाजार में बेचा जाता है। दोस्तों जिस तरीके से इंडिया में मुर्गी फार्म किया जाता है, उसी तरीके से चाइना के इस गांव में सांप का पालन किया जाता है। लोग सांप को पालते हैं, फिर उस सांप को मार्केट तक भेजा जाता है, और पल भर में ही उस सांप को काट कर लोगों के घर तक पहुंचा दिया जाता है। और चाइना के लोग बहुत ही शानदार तरीके से इन सब सांपों का भोजन करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या आपको आज से पहले इस बात का मालूम था कि चाइना के लोग सांप को खाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाकर लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपके स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं, देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। दोनों वीडियो काफी अच्छी हैं।